गुजरात के कच्छ में स्थित रामकृष्ण ट्रस्ट विकास की त्रिमुखी परिभाषा को साकार करने की दिशा में कार्यरत है। वर्तमान समय में विकास का जो प्रारूप मानवता के लिए नितांत आवश्यक है, उसे तीन प्रकार से समझा जा सकता है: स्थायी विकास, समावेशी विकास, संस्कृति मूलक विकास। स्थायी विकास के मानी है प्रकृति के नियमों के अनुसार किया गया विकास, जिससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। समावेशी विकास के मानी है कि मानव जीवन में परस्पर अवलंबन हो एवं आर्थिक और सामाजिक वृद्धि से सभी लाभान्वित हो, शहरी भी और ग्रामीण भी। तीसरा, संस्कृति मूलक विकास, जो देश की आदिकाल से चली आ रही परंपराओं और प्रकृति अर्जित ज्ञान पर आधारित हो। गाय आधारित जैविक कृषि के माध्यम से पर्यावरण और विकास के बीच का सामंजस्य सुनिश्चित कर सही विकास करने की दिशा में यह ट्रस्ट उद्यत है। रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्राम विकास आज विश्व के हर देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन सकता है। ग्रामीण जनता को स्वावलंबन प्रदान करके उन्हें विकास की धारा से जोड़ने का ध्येय रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रकृति प्रेरित प्रयासों में पूरा होता है। भारत के पारंपरिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान कोष से वर्तमान की समस्याओं का कितनी सरलता से निवारण किया जा सकता है, इसका वैचारिक और व्यवहारिक उदाहरण भी यहाँ देखा जा सकता है। भारत परंपरा से कृषि प्रधान देश रहा है, प्राकृतिक कृषि भारत की संस्कृति रही है। पश्चिम के अंधे अनुकरण से बहुत मात्रा में रसायन का उपयोग करके मानव ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अपनी हद से भी आगे बढ़ गया है और हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंची है, भूमि को खोखला बना दिया है। इस वजह से कृषि करना अत्यंत कठिन हो गया है। देसी गाय आधारित कृषि विश्व की सभी समस्याओं में से बाहर आने का एकमात्र मार्ग है। सर्वप्रथम बात करते हैं जैविक कृषि अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसके अंतर्गत ट्रस्ट की गतिविधियां हैं देशी खाद, पोषक और कीटरोधक दवाइयों का निर्माण, रासायनिक कृषि को त्याग करके जैविक कृषि अपनाई जाए, इस उद्देश्य से प्रति माह 3 दिवसीय तालीम का आयोजन, सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से धरती और पानी की जांच, जैव वैविध्य को बढ़ावा। जैविक कृषि न केवल प्रकृति का संरक्षण करती है अपितु साथ ही साथ हमें हमारी देशज परंपराओं से भी जोड़ती। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ आज उगाई जा रही हैं, जिन्हें बहुत से आरोग्य संबंधी उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। गौ संवर्धन रामकृष्ण ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है और इसके अंतर्गत संस्था की गतिविधियां हैं गौवंश के गव्य का उपयोग और प्रचार एवं प्रसार, गौवंश की ऊर्जा का परिवहन और कृषि कार्य में उपयोग, दुधार गौवंश का निर्माण, उत्कृष्ट जाति के नंदी तैयार कर ग्रामवासियों को प्रदान करना, गोबर के कंपोस्ट खाद का निर्माण, गोबर से विभिन्न प्रकार की गृह उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, गोबर से सौंदर्य प्रसाधन बनाना, गोबर गैस द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न कर ऊर्जा निर्मित करना। गौ संवर्धन स्थायी विकास का आधार तो है ही, परंतु जो दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका इससे निर्वाह होती है वो है ग्राम वासियों के लिए आजीविका कमाने के मार्ग स्पष्ट होना। गोबर से बनी वस्तुओं का विक्रय, बैलगाड़ियों से निकटवर्ती यातायात के साधन बनाने और बायोगैस प्लांट इत्यादि के माध्यम से बहुत से ग्रामवासी आज स्वावलंबी हैं। युवा भी अब गौशाला को गौ विज्ञान केंद्र बनाने में जुटे हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन गतिविधियों से रवानगी आई है और समुदायों में विश्वास का संचार हुआ है। हमारा ट्रस्ट में ग्राम विकास के लिए जो 4 आयाम है, जैविक कृषि, ग्रामोद्योग, कारीगरी काम और गौपालन जैसे विषयों के ऊपर जो कार्य हो रहा है, जो आने वाले कोई भी व्यक्ति वो कार्य सीख सकता है और उसके लिए हमारी परंपरागत जो पद्धति रही है काम करके सीखने की, वो व्यवस्था हमने हमारे ट्रस्ट के अंदर रखी है। ग्रामोद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए लोहार, सुथार, कुम्हार
और गोबर क्राफ्ट बनाने वालों के लिए स्थान नियत किए गए हैं, जहां उत्पादन और विक्रय दोनों ही संभव है। पंचगव्य पदार्थ का उपयोग वर्तमान समय में वृद्धि के मार्ग पर अग्रेसर है। भारत देश के प्राचीन ग्रंथों का आरोग्य विज्ञान आज जन जन को सुलभ हो सकता है। रामकृष्ण ट्रस्ट न केवल इस विषय में जानकारी का प्रसार कर रहा है, बल्कि ग्रामवासियों को इस उद्योग हेतु सहायता भी प्रदान कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जैविक कृषि, गौ संवर्धन और ग्रामोद्योग के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में रामकृष्ण ट्रस्ट ने प्राकृतिक गांव का एक सुचारू प्रारूप साकार किया है। यहाँ के आवास इको फ्रेंडली है। फल सब्जियों की मौसम अनुसार फसलें तैयार की जाती हैं और जल और ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों का विवेकपूर्ण सदुपयोग किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्षा जल संग्रह और सौर ऊर्जा संसाधन के विकल्प ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए गए हैं। इससे संस्था को दैनिक जल एवं ऊर्जा स्वावलंबन प्राप्त हुआ है। यहाँ देश विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को प्रकृति का जो अनुभूति है और प्रकृति का प्रचार प्रसार है, उसके लिए इको टूरिज्म के माध्यम से ट्रस्ट कार्य कर रहा है। मानव मूल्य एवं मानव कर्तव्य के उत्थान को समर्पित ये ट्रस्ट मात्र एक ग्राम अथवा एक स्थानीय व्यवस्था को ही जीवन जागृति, प्रशिक्षण एवं स्वावलंबन प्रदान नहीं कर रहा, परंतु ये संपूर्ण भारत देश में आवश्यक ग्राम विकास के प्रारूप का एक ज्वलंत उदाहरण है। मानव धरती माँ से जुड़ा रहे, अपना और अपने परिवार एवं समाज का पोषण करने में सक्षम हो और प्रकृति एवं संस्कृति का संरक्षक रहे, यही विकास की सही परिभाषा है। रामकृष्ण ट्रस्ट।